और लालकुआ में भूख हड़ताल पर बैठे श्रमिकों के समर्थन में पूर्व विधायक नवीन दुमका ने भी समर्थन देते हुए धरना दिया है। सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ पिछले 72 दिनों से स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर श्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान आंदोलनकारी श्रमिकों की मांग को न्यायोचित करार देते हुए नवीन दुमका ने कहा कि सेंचुरी मिल के खिलाफ में चल रहे आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के रूप में कार्य किया जा रहा है और बता दें कि आंदोलन के रूप में बढ़ाने के लिए एकजुटता के साथ में सबका समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सेंचुरी प्रबंधन को अपना अड़ियल रवैया छोड़कर श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। वही चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि मांगे नहीं माने जाने पर सेंचुरी पेपर मिल को गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। जैसे श्रमिकों के किसानों के हितकारी लोग प्रारंभ से यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं अपना। आज जैसा आपने स्वयं बताया कि 72वां दिन है, इस समर्थन को और तेज धार देने के लिए, इसको व्यापक करने के लिए, इसको भविष्य में जन आंदोलन में बदलने के लिए मैं भी आज यहाँ पर 10 बजे से 4 बजे तक धरने में हूँ। कल भी बैठूंगा।